तो इनसे मैं मिल भी नहीं पाया। सबसे पहले आप लोग से भी क्षमा, और नीट वाले मुद्दे पे ही पूरा समय लग जा रहा है, और ये बच्चे भी डिजर्व करते हैं अपना सेलिब्रेशन। भाई आप लोग बड़े किस्मत वाले हो कि IITs आपका पेपर बना रहे हैं यार। कम से कम जो एग्जैक्ट प्रोसेस है IIT पहुंचने का, लास्ट माइल जो है वो कम से कम IITs के हाथ में है, जहां से इतने कोई लूपहोल्स नहीं होते हैं। ये चीज मेडिकल में भी अच्छी थी पहले, जब एम्स अपनी परीक्षा करा लेता था लास्ट में, तो वहाँ भी ऐसा था कि तुम अपने करा लो वाइस टेस्टेड, हम लास्ट में आएंगे एम्स की परीक्षा लेंगे और हम देख लेंगे अपने हिसाब से। यार तुम लोग ना अच्छे रिजल्ट लागे ना, दिल खुश कर दिया मैं, अब जाके पता ही चार्ज मारे से हंसाऊंगा, मजा आया मुझे। तो बहुत सारे बच्चे JEE एडवांस के अंदर बहुत अच्छी रैंक लेके आए, तो बहुत सारे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उसमें से कुछ बच्चे मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। तो आइए आपको सबसे मिलवा देता हूँ, आ जाए आप सभी लोग आ जाए। तो देखिए बहुत सारे बच्चे आए हैं, आइए आइए आइए, आप भी आइए, आ जाइए आप दोनों जन, आ जाइए। बस 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 बस, तो इनसे मैं मिल भी नहीं पाया, सबसे पहले आप लोग से भी क्षमा, दिन भर आज मैं नीट वाले मुद्दे पे ही पूरा समय लग जा रहा है। अभी मैं ऑफिस लौटा हूँ जस्ट, और ये बच्चे भी डिजर्व करते हैं अपना सेलिब्रेशन भाई, और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो इनसे बात करेंगे, है ना। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर जयेंद्र, जयेंद्र जयेंद्र जयेंद्र। Yes. आपकी कितनी रैंक बनी? मेरे सर 2064। 2064। Yes, आप प्रयास बैच से पढ़ते थे? Yes, sir, प्रयास बैच। बताएं अपना एक्सपीरियंस बताएं। एक्सपीरियंस सर ओवरऑल ऑफ कोर्स बहुत अच्छा था, लाइक टीचर्स का गाइडेंस वगैरह सब कुछ, ओवरऑल पैकेज देखो तो बहुत ही अच्छा था। टीचर्स वगैरह से इंटरेक्शन वगैरह रहता था, सर वगैरह क्लास के शुरुआत में अच्छे से बात वगैरह करते थे, क्लास के एंड में बात करते थे, चैट वगैरह में लिख देते थे क्या प्रॉब्लम्स है। कंटेंट के मामले में तो ऑफकोर्स अच्छा ही था, लाइक मैं शुरुआत में अर्जुना में भी PW में ही था। अर्जुना लक्ष्य फिर प्रयास, तो पिछले साल क्या रैंक थी? पिछले साल 7000 थी, लाइक 7400 थी। तो 7000 पे आपने कोई कॉलेज लिया नहीं? नहीं सर नहीं। अच्छा, लाइक जोसा काउंसलिंग में मैंने गड़बड़ कर दी थी, ऑल मिल गया था उनको कॉलेज, जोसा काउंसलिंग में गड़बड़ कर दी थी। क्या गड़बड़ कर दी थी? डॉक्यूमेंट्स भरे नहीं थे, मुझे लगा एक दिन और है और वो मिस हो गया। आलसी हैं आप, इस बार यार आलस मत करना। नहीं सर नहीं, ऑफ कोर्स है ना, अगली बार फिर IIT नहीं मिल पाएगा अगर इस बार आलस कर दिया तुमने तो। श्योर। तो लाइक कहाँ से आते हैं आप? मैं महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र में कहाँ से? पालघर। पालघर से आते हैं। तो क्लास 11 से आप PW से पढ़ाई करना शुरू की है? 11th में ऑफलाइन जाते थे पहले? नहीं ऑफलाइन, लाइक मैं कोरोना का टाइम था, ऑफ कोर्स ऑफलाइन ज्वाइन करने के पहले देख लिया था ऑनलाइन कुछ है क्या, मैं कहीं और ज्वाइन करने वाला था, बट मेरे दोस्तों ने मेरे को सजेस्ट किया कि PW ट्राई कर वो अच्छा है, डायरेक्टली बोला अच्छा है। सो मैंने ट्राई किया, मैंने पहले तो आपके लेक्चर्स देखे YouTube वगैरह पे, फिर मैंने सोचा कि अलग सर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है, बट तो पता चला कि अलग सर नहीं पढ़ा रहे, राजन सर पढ़ा रहे। तो एक बच्चे ने ले रखा था बैच, तो उसने बोला कि नहीं नहीं राजन सर भी वैसे ही पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, पढ़ाते भी अच्छा और मजा भी बहुत आता है। तो वर्ड ऑफ माउथ से मैंने ले लिया था बैच, एंड देन उसके बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिया। अच्छा, तो बहुत पसंद। अर्जुना में थे पहले? हाँ अर्जुना में, फर्स्ट अर्जुना में जो पहली बार। हाँ प्रयास, प्रयास 2.0 में कि 1.0? 2.0। तो फिर आपको राजवंत सर फिर से मिले होंगे? हाँ, आपका जब लक्ष्य था तब भी तो राजवंत सर ही पढ़ा रहे थे? हाँ पूरा टाइम राजवंत सर। तो आपने राजवंत सर से ही फिजिक्स पढ़ी पूरे समय? सही है। तो प्रयास के अंदर क्या था, क्योंकि प्रयास के अंदर 11th 12th पूरा एक साथ पढ़ाया जाता है, तो आपके 11th 12th का सिलेबस कैसा तैयार था, प्रयास के अंदर आके क्या चेंज हुआ? लाइक एक तो कॉमन डाउट्स वगैरह वो रहता है कि ढंग से पढ़ाएंगे कि नहीं, लाइक वापस उठाएंगे कि नहीं, प्रॉपर से अज्यूम तो नहीं कर लेंगे, तो क्वांटो बैच एडवांस दे चुके तो अज्यूम तो नहीं कर लिया कि हमको नेक्स्ट लेवल आता है, वो मतलब बैक ऑफ द माइंड सबके चलते रहता है, एंड पूछ लिया तो ठीक है, बट इतना भी उसके लिए पैरानॉइड नहीं होना चाहिए। क्या प्रयास एयर में सिलेक्ट हुए थे, बच्चे पूछ रहे हैं? यस, प्रयास एयर में सिलेक्ट हो गए थे। प्रयास एयर में आप कब सिलेक्ट हुए थे? लाइक पहला एग्जाम हुआ था वो तो मैं वापस मेरी लेजीनेस की वजह से या फिर कुछ भी बोल दो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने एक पेपर वन दिया था और पेपर टू के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ कितना गया इस बार? पता नहीं, इतना चेक नहीं किया मैं खुद इस टाइम, कुछ अपडेटेड ही नहीं हूँ JEE एडवांस के रिजल्ट से, नीट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूँ इस साल, तो रिजल्ट एकदम देख ही नहीं पाया, मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं। आपका क्या नाम है? सर वंश वशिष्ठ। वंश वशिष्ठ, आपकी क्या रैंक रही? सर 2139। 2139। तो वंश हमारे साथ हैं और वंश की रैंक है 2139। आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, कि जैसे सर मैं चाहता था कि सारा कंटेंट मिल जाएगा जो मैं सोचता था, पहले नहीं मिला था मुझे, तो मुझे मिला, टीचर्स बताते थे, शेड्यूल भी मिलता था, तो सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी और मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। अच्छा, आप पहले भी PW में थे 11th 12th में कि नहीं? तब कहाँ थे? नहीं था सर, कहीं और ऑफलाइन पढ़ाई करते थे। यस सर। उसके बाद फिर ड्रॉप लेके ऑनलाइन क्यों पढ़ा? क्योंकि सर मैं वापस उधर नहीं जाना चाहता था। तो वापस कोई और ऑफलाइन चले जाते?
नहीं सर, एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना अपने आप पढ़ाई में दूँ, स्टडी में। तो मुझे लगा कि वो मैं आने जाने का टाइम बचा सकता हूँ और मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ उस चीज़ को, मतलब टाइम बचा सकता हूँ अपना और सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो वो PW को चाहिए। ठीक है, क्या आपके कभी बैकलॉग होते थे, बच्चे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ सर, हो जाते थे। तो क्या करते थे? सर उसको कंप्लीट करता था जल्दी से जल्दी। कितना बैकलॉग हो जाता था एट अ टाइम? सर मतलब ज़्यादा नहीं होने देते, मतलब 2-3 क्लास का हो गया फिर। वैसे भी प्रयास में तो ड्रॉपर बच्चा है, स्कूल भी नहीं जाना है आपको, तो बैकलॉग के बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं बचते हैं। आपके दिन में तक कितनी क्लासेस होती थी? स्टार्टिंग में तो 3 होती थी, बाद में 4 और फिर 5 भी हुई होंगी कभी ना कभी। कभी कभी मतलब प्रयास में तो बहुत कंटेंट जाना पड़ता है लास्ट तक आते आते। सर दोनों साल का पढ़ना है, दोनों साल का पढ़ना होता है। शुरुआत में 3 होती है, फिर 4, कभी कभी 5 भी लग जाती है, ये भी होता है। बस सब कुछ कवर करा दिया जाता है, ऐसा परेशान भी नहीं होना पड़ता। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम यश जियानी है। यश, आपकी क्या रैंक रही यश? 2696। तो यश की AIR रही 2696। आप अपनी कहानी बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं। सर मैंने 11-12 तो कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर मैंने ड्रॉप ईयर में अपना फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, क्योंकि ऐसा था कि ऑफलाइन में मुझे लगता था जो कंटेंट जाना चाहिए। मतलब आप प्रयास 1 से थे कि 2 से थे? प्रयास 2 से। प्रयास 2 से। 2 से थे। और आप? सर मैं प्रयास 1। आप 1 से थे, चलिए कोई तो टक्कर दिया 2 को फिर। हाँ सर मैं प्रयास 1 से था, और सर मैंने बैच ज्वाइन किया था, जब मैंने लास्ट ईयर में एडवांस दिया था और उसके बाद मैंने बैच ज्वाइन किया था। तो लास्ट ईयर क्या रैंक थी आपकी? मेरी 14,000 रैंक थी। जी सर। तो सर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था और मेरी 14,000 रैंक थी, और इस साल मैंने प्रयास बैच लिया था, 2 महीने लेट हो गया था, मतलब एडवांस देने के बाद, और 2 महीने प्रयास 1 चला गया था, तो बैकलॉग काफ़ी रह गया था। तो बैकलॉग सर जैसे हॉलीडेज मिलते गए, लास्ट में कुछ रह गया था, मतलब मेन स्टार सिस्टम तक भी था मेरा, मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फर्स्ट क्लियर हो गया था सर। और सर कहाँ से हैं आप? सर मैं भोपाल MP। भोपाल MP से हैं। तो जेई एडवांस जैसे सीरियस कंपटीशन की ऑनलाइन तैयारी आप कर रहे थे, आपको नहीं लगा इसकी ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए? सर मैं ऑफलाइन जा चुका था ना, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि ऑफलाइन में जो कंटेंट मिलता है वो ऑनलाइन में काफ़ी बेहतर होता है, मतलब कंटेंट वाइज ऑनलाइन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जयेंद्र हमारे पास, यश हमारे पास, चलो यश से पूछते हैं। यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं शेड्यूल क्या था पढ़ाई का, क्या करते थे? सर शेड्यूल में सुबह 6 बजे उठते हैं, फ्रेश होते टाइम हो जाते 7 बज जाते थे, और सर 7 से लेके फिर क्लासेस होती थी 8 बजे से, तो थोड़ा रिवीजन हो गया 7 से 8 बजे तक, फिर 8 से लेके कभी कभी हो सकता है 4 बजे तक चले। एक सेकंड लिख लेते हैं आपका शेड्यूल। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उन्हें सुनना है कि कैसे पढ़ाई करनी है भाई, क्या पढ़ना है वो तो पता है, बैच में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुबह कितने बजे उठ जाते? 6 बजे आप उठ जाते थे, फिर सर नाने धोने फ्रेश होने में 7 बज जाते थे। 7 बजे क्या करते थे फिर? 7 बजे से 8 बजे तक रिवीजन करता था, जो तो कल पढ़ाया हो या फिर 2-3 दिन पहले। 6 से 7 फ्रेश फ्रेश हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया, और फिर 7 बजे से आप लग गए 8 बजे तक रिवीजन। 1 घंटे में सारे रिवीजन? 8 या 8:30 तक, वो क्लास पर डिपेंड कर क्लास कितने बजे से। ठीक है, 8-8:30 तक आपने रिवाइज। रिवाइज क्या करते थे, सिर्फ नोट्स? सर जो सर नोट्स में जो कल पढ़ाया और जो 2-3 दिन पहले का वो भी देख लिया सर। अच्छा, प्रीवियस डे या फिर 2-3 डेज है ना? सॉरी। सो नोट्स आप सबसे ज्यादा? सर नोट्स स्ट्रॉन्गली एकदम स्टिक रहता था। N-1 डे का पढ़ते थे, और उसके बाद थोड़ा बहुत है ना N-2 N-3 सबका थोड़ा थोड़ा देख लेते थे डेज का। यस सर। फिर उसके बाद क्या करते थे? सर 8-8:30 से लगभग क्लास ज़्यादा ही लंबी हो जाती थी, तो 4-5-6 भी कभी तक बचा। तो 8-8:30 से लगभग एक मिलता था बीच में आधे घंटे का, वो लंच के क्लास स्टार्ट हो गई, और फिर यहाँ से चलती थी ये? सर फर्स्ट क्लास रहती थी 8:30 से 10-10:30 बजे तक। फिर सर फिर रहती थी तो क्लासें हैं, क्लासें कब तक चलेंगी? क्लास 4 या 5 बजे तक चल रही है। 4 PM तक क्लास चल रही है पूरी? इतनी लंबी चल रही है, इतने घंटे तो नहीं पढ़ा रहे हम लोग? सर 3 क्लास होती थी, 2-2 घंटे की एक, और 2-2.5 पे खत्म हो जाएगी ना सर? 2 क्लास 4 घंटे वो, और एक 3 घंटे। 3 घंटे कौन पढ़ा रहा था? आशीष सर 3 घंटे पढ़ा रहे थे आपको? किसी के भी घर से मम्मी पापा को फोन आया तो उठा लीजिएगा, मेरी तरफ से उसमें कभी रुकावट नहीं। तो इतनी लंबी आप क्लासेस चलती थी 2-2 और 3